नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुद जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2 नवंबर 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुद जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। 2 नवंबर 2021, आइए बात करते हैं क्या विशेष रहने वाला है। आज धनतेरस का पर्व है। खुश जीवन राशिफल की तरफ से यानी हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को धन त्रयोदशी और धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी कामना है। आज धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग भी है, यानी जो भी शुभ कार्य आप करते हैं उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग सुबह 6:38 से लेकर और सुबह 11:31 तक रहने वाला है। धन त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन आज के दिन आप सभी को माता लक्ष्मी की पूजा, कुबेर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं पंचांग। वार मंगलवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह कार्तिक माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी तिथि, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सुबह 11:44 तक रहेगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग वैद्यति योग शाम 6:13 तक रहेगा, उसके बाद विष्कुंभ योग प्रारंभ होगा। करण तैतिल करण जो कि सुबह 11:31 तक रहेगा, उसके बाद गर करण प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 6:38, सूर्यास्त शाम 5:31। सूर्यदेव अपनी नीच की राशि तुला राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय सुबह 3:00, चंद्रास्त शाम को 4:07। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, इसके की स्वामी बुध देव है। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 5:49 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने इष्ट देव की आराधना और मंत्र जप कर सकते हैं। बात करें अभिजित मुहूर्त की तो कोई भी शुभ कार्य अगर आपको शुरू करना है तो आप उसे अभिजित मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर और दोपहर 12:26 तक रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिन के चौकड़ी। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं सूर्योदय से। रोग का चौकड़िया सुबह 6:38 से लेकर और सुबह 7:59 तक रोग का चौकड़िया रहेगा, जो कि अशुभ समय है। रोग के बाद उद्वेग 7:59 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगा। उद्वेग का चौकड़िया भी अशुभ समय माना गया है। उद्वेग के बाद चर 9:21 से लेकर 10:43 सामान्य समय माना गया है। चर के बाद लाभ 10:43 से लेकर दोपहर 12:04 तक लाभ का चौकड़िया रहेगा। लाभ के बाद अमृत 12:04 से लेकर और 1:26 तक अमृत का चौकड़िया रहेगा। शुभ समय है, अच्छा समय है। अमृत के बाद काल 1:26 से लेकर दोपहर 2:47 तक रहने वाला है। काल का चौकड़िया अत्यंत अशुभ समय माना गया है। काल के बाद शुभ 2:47 से लेकर और 4:09 तक रहेगा। शुभ का चौकड़िया अच्छा समय है। शुभ के बाद रोग 4:09 से लेकर और शाम 5:31 तक रहेगा। रोग का चौकड़िया अशुभ समय माना गया है। इन सभी चौकड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत ये तीनों चौकड़िये अत्यंत शुभ हैं। रोग, काल और उद्वेग इन्हें अशुभ चौकड़िये की संज्ञा दी गई है। आइए बात करते हैं अशुभ समय यानी राहुकाल और गुलिक काल की। राहुकाल और गुलिक काल की अगर हम बात करें तो राहुकाल दोपहर 1:30 से लेकर 3:00 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:00 से लेकर 1:30 तक रहने वाला है। राहुकाल और गुलिक काल दोनों अशुभ समय माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य हमें इन समय में शुरू नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं दिशाशूल यानी किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है उत्तर दिशा। फिर भी अगर जातक यात्रा कर रहा है तो यात्रा से पहले दिशाशूल का परिहार अवश्य कर ले, यानी गुड़ का सेवन अवश्य करे। आइए बात करते हैं शुभ राशियों की कि आज के दिन कौन कौन सी राशि शुभ राशि रहने वाली है। तो आज की शुभ राशि है मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, जन्म पाया और नामाक्षर क्या रहने वाले हैं। तो जन्म राशि की बात करें तो सबकी कन्या राशि रहने वाली है। नामाक्षर रहेंगे प, पी, पू और श। जन्म पाये की बात करें तो इनका सभी का रजत का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।